स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन जो हमने अभी जस्ट क्रॉस किया है, सो गाइज फ्रॉम तिरुतुराई पुंडी टू वेलंकनी इट्स 33 किलोमीटर्स, तो अभी और 33 किलोमीटर्स है हमें वेलंकनी पहुंचने में। Onto main road, Mariamman Coil Street. Shrine Basilica, Vellankanni. 2 kilometers dikha raha hai. चर्च व्यू स्पीड्स होटल मेरीलैंड के बाहर ही यहाँ पे क्रिसमस वाटर होता है, तो हम क्रिसमस वाटर ट्राई करेंगे। तो गाइज ये है होटल मेरीलैंड स्वीट्स, और ये मेरीलैंड स्वीट्स चर्च व्यू स्वीट्स का एंट्रेंस है। चलिए अंदर चलते हैं। ये यहाँ का लॉबी है, ये रिसेप्शन एरिया है। सो क्रिसमस की सारी डेकोरेशंस आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, यहाँ पे एक फिश टैंक भी है। What's your name? Isaac. Isaac. Hi, Isaac. Fish. Fishes. और यहाँ पे समुद्र रेस्टोरेंट जो है, ये इन्हीं का रेस्टोरेंट है, इन हाउस रेस्टोरेंट है। ये आज का सी फूड स्पेशल मेन्यू है, किंग फिश फ्राई, स्क्विड फ्राई, क्रैब फ्राई। बहुत ही खूबसूरत सा क्रिब बनाया है।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास अपर मुरल आर्ट। ये आर्ट वर्क आप देख सकते हो लास्ट सफर का, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। What is this room called as? अजीबा। ये कौन सा रूम है? ये नहीं नहीं मत। ट्रिपल बेड। अच्छा ये गाइस ये ट्रिपल बेड रूम है। आप बाहर का व्यू देख सकते हो। वो रहा वेलंकनी का चर्च बेसिलिका। ज़ूम करा देती हूँ आपको। ये देखिए ये है चर्च। काफी नजदीक है यहाँ से, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेन रोड भी दिख रहा है। और ये टॉयलेट और बाथरूम। फाइव फ्लोर्स है ना इस बिल्डिंग में? पांच फ्लोर। तो अभी हम थर्ड फ्लोर का रूम देखेंगे। ये थर्ड फ्लोर का व्यू है। ये भी ट्रिपल बेडरूम है ना। और एक गेस्ट कोई रह सकता है इस यहाँ पे, मतलब एक और बेड लगा के और एक एडजस्ट कर सकते हो ना आप। तो अगर आप चार लोग हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लग जाएगा। बाहर का एक व्यू दिखा देती हूँ आपको। सेम ही व्यू है क्योंकि वो सेकंड फ्लोर का व्यू था और ये थर्ड फ्लोर का व्यू दिखा रही हूँ। पे चर्च देख सकते हो आप। सो गाइज ये थर्ड फ्लोर है और ये है हमारा रूम, रूम नंबर 313। आपको एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ। यहाँ पे केटल है और दो बॉटल्स दिए हैं, ये आप चाय कॉफ़ी बनाने के लिए। यहाँ पे सब कुछ दिया है, शुगर, टी बैग्स वगैरह। और एसी का रिमोट रखा है यहाँ पर।
यहाँ पे एक्चुअली दोनों तरफ साइड टेबल्स दिए हैं। ये ड्रॉ है, टीवी का रिमोट भी है, यहाँ पर टीवी है। ये एक्स्ट्रा बेड एंड दिस इज मी। यहाँ पे सोफा है दो। वो जो चर्च दिख रहा है आपको वो है बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ। ये है वो चर्च जहां पर अभी हम जाएंगे तो कुछ देर में। तो आपको अभी टॉयलेट और बाथरूम दिखा देती हूँ। ये क्यूबिकल बाथरूम है, वहाँ पे एक शावर है, यहाँ पे बकेट भी दिया है। डब्ल्यूसी, एक डस्टबिन है, हेयर ड्रायर रखा है और ये सारे एसेंशियल्स रखे हैं यहाँ पर। ये है डेंटल किट, ये लग्जरी सोप और ये सब डेंटल किट है। ये शायद शैम्पू है, ये शैम्पू है यहाँ पर। यहाँ पे एक वॉश बेसिन, वहाँ पे टॉवल्स दिए हैं। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज है। फ्रिज शायद काम नहीं कर रहा है, पता नहीं, इट्स नॉट कूलिंग। काफ़ी सारा जगह है यहाँ पे, आप अपने बैग्स वगैरह रख सकते हैं। ये वार्डरोब है, यहाँ पे एक सेफ भी दिया है। हैंगर्स भी दिए हैं वहाँ पर ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे स्टोरेज के लिए जगह है। मतलब कितना बकेट वेस्ट करना पड़ेगा ऐसे, तभी गर्म पानी आता है। नो बट हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू वेस्ट एंड देन यू विल गेट हॉट वाटर? वन बकेट, टू बकेट, इतना हॉट होता है? तीन बाल्टी निकल गए तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। थ्री बकेट्स ऑफ Three buckets of water you need to waste and then you get hot water. Three bucket, two bucket, four bucket, two bucket. Four buckets you have to waste and then you get hot water. तो guys ये रात के समय का व्यू है, चर्च व्यू स्वीट्स मेरीलैंड होटल का। पूरा होटल उन्होंने सजाया है और इस तरफ अगर आप देखोगे तो क्लिंटन पार्क इन है। ये एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको होटल्स में। और यहाँ पे अनीफा, अगर आप देखोगे इस तरफ अनीफा होटल है जहाँ पे बिरयानी मिलती है। और ये जो रोड है ये मेन रोड है विलंकनी चर्च में जाने के लिए। और गाइज होटल मेरीलैंड के लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे और एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे है होटल सी गेट।
इनका भी एक फैमिली रेस्टोरेंट है। गाइज हम अभी जस्ट बाहर से अंदर आए हैं और होटल में ये देख सकते हो आप, रूम इन्होंने क्लीन करके रखा हुआ है, फ्लोर और बेड्स भी देख सकते हैं आप, अच्छे से क्लीन करा है। सिर्फ एक चीज़ उन्हें बार बार कहनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ टी बैग्स और कॉफ़ी मिसिंग है। इन्होंने ये नोवा के मिल्क पैकेट्स रखे हैं लेकिन टी बैग्स और कॉफ़ी मिसिंग है, तो ये चीज़ मुझे बार बार उन्हें कहनी पड़ती है।